नाराज हैं क्या आप मुझसे? अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को खुश नहीं रखेगा तो क्या खुश होंगी मैं तुमसे? तुम अच्छी तरह जानती हो सरिता, हम माओं की खुशियां अपने बच्चों की खुशियों से जुड़ी होती हैं। हमारे बच्चे खुश तो हम खुश। और ये क्या नया शोशा छोड़ दिया है तुमने और अजलान ने कि इस हालत में मुझे अपनी बेटी और नवासे से दूर कर दोगे, चले जाओगे यहाँ से? पापा, आपके सवाल में ही ना आपका जवाब मौजूद है। अजलान और सानिया को खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम इस घर से चले जाते हैं, अपने घर में जाके रहते हैं। यहां रहेंगे तो रोजाना कोई ना कोई बात तो निकलेगी। अब देखे ना, आपकी देखा देखी पड़ोसन ने भी सानिया के कान भरने के लिए बिना पे इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। वाह साजदा, मतलब मैं भी गलत, पड़ोसन भी गलत, सानिया भी गलत। तुम्हें सिर्फ एक वो मनहूस बिनाई सही लगती है, सच नजर नहीं आ रहा तुम्हें क्या? क्योंकि मैं जानती हूँ कि सच क्या है आपा, इस घर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये बस आप दोनों की गलत फहमियां हैं। ये बात तो मैं अच्छी तरह से सानिया को भी समझा चुकी हूँ कि अगर बीना को अजलान से शादी करनी होती ना तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। आपको तो याद होगा ना, मैं तो खुद ये चाहती थी, खुद कई बार आपसे और शहरयार भाई से बीना का हाथ मांगने के लिए आई थी। याद है कि भूल गई आप? याद है, सब याद है मुझे। अगर याद है ना तो ये बात भी जरूर याद रखिएगा कि जब तक मैं जिंदा हूं सानिया ये अपने पोते के साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। हाँ, एक तुम्हारा ही तो भरोसा रह गया है, वरना ये मनहूस बीना तो इस घर में आई ही मेरी बेटी का घर बर्बाद करने के लिए है। भरोसा है ना तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए, आपके दिलो दिमाग में जो गलत फहमियां है ना इन्हें निकाल दें प्लीज।